और इस वक्त मैं साहेबगंज के पटेल चौक पर खड़ा हूं और आप मुझे NBT के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आज आप जान रहे हैं कि सरकार ने 2000 के नोट को भारत में अमान्य घोषित कर दिया है। उसके लिए एक तिथि तय की गई है और आज से 2000 के नोट बदली की जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ साहेबगंज के कुछ लोग जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि 2000 के नोट को जो सरकार ने बंद किया है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये शेखर पासवान जी हैं, साहेबगंज के एक सोशल वर्कर भी हैं और कई सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। आइए इनसे जानते हैं। अच्छा शेखर जी, सरकार ने 2000 का नोट बंद किया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2000 का नोट तो बहुत दिन से हम लोग देखे भी नहीं हैं, और रही बात की 2000 जो सरकार बंद की है, इससे बहुत सारे लोग का परेशानी बढ़ जाएगी। आने वाला समय में बहुत से गरीब आदमी लोग पैसा को जमा करके रखते हैं, अचानक सरकार बंद कर देती है, इससे और भी गरीब लोग परेशान हो उठता है। अजय, सही निर्णय नहीं है, ये एक राजनीतिक है, अपने राजनीति के लिए अपना रोटी सेकते हैं, ये तरह तरह के वो जुमला निकालते हैं कि लोग जनता परेशान होते रहते हैं, ये एक राजनीतिक खेल है। आपने कितना दिन से 2000 का नोट नहीं देखा है? ये तो हमको लगता है कि साल भर से नोट नहीं देखे अभी तक, कि कैसा होता है 2000 का नोट, ऐसे मिलता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू कुमार गुप्ता जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि 2000 का नोट जो सरकार बंद किया है और आज से बदला हो रहा है, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है? हाँ पप्पू जी, आज जैसे सरकार 2000 का नोट बंद कर दिया है, लोग बैंक में एक्सचेंज कर, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कितना दिन से नोट नहीं देखे थे? 2000 का नोट जब निकला था, जिस समय आज से करीब एक साल डेढ़ साल पहले, उस समय के पास 2000 का नोट दर्शन तक नहीं हुआ। हमारा किराना का दुकान भी है, 2000 का नोट आना ही बंद हो गया सभी के सभी, तो 2000 का नोट बदलेंगे क्या? वो बड़े बड़े लोग जो है, नेता लोग, VIP लोग जो है, वो सब दबा करके नोट को 2000 का रखे हुए हैं। सरकार जो इसको बंद किया, बहुत ही अच्छा काम किया है इसके लिए, हम यही बस कहना चाहते हैं। ये 2000 का नोट बिल्कुल बंद होना चाहिए, बल्कि अभी नहीं, इससे पहले ही बंद हो जाना चाहिए था 2000 का नोट। हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है 2000 का नोट। जब शुरू में आया था उस समय 2000 का नोट देखे थे, इसके बाद 2000 का नोट चलन से बाहर आ गया। हमारे किराने के दुकान में जहाँ 50,000 लाख रुपए का डेली का बिक्री है, वहाँ इक्का दुक्का था, तो वो भी बंद हो गया सर एकदम। अभी देखिए 2000 का नोट हमारे दुकान पे भरमार पड़ा हुआ है। एक आदमी कल ही आया था 1.5 लाख रुपए लेकर के, आप इसको चला दीजिए, 10 दिन के बाद देंगे। अब बताइए 2000 का नोट निकलना, टायर काट के 2000 का नोट निकालना, उसके अंदर पोंछ के रखा हुआ 2000 का नोट, इस तरह का हमको देखने को मिल रहा है, क्या बताएंगे सर। सरकार ने इसको पहले ही इसको लागू कर रहा था तो बहुत अच्छा कदम उठा था, इससे जो है कम से कम कुछ तो भ्रष्टाचार कम होता। थैंक यू। का नोट बैंक में जा रहे हैं सर बदलने के, ये कैसे जाने कि 2000 का नोट बंद हो गया है? वो पेपर में दिया था कि 1 तारीख से बंद हो गया, उसी को बदलने बैंक आए हैं। ये जयकांत जी हैं, साहेबगंज शहर के एक छोटे मोटे व्यवसायी भी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि 2000 का नोट जो सरकार ने बंद किया है, इस पर क्या कुछ यह अपनी राय रखते हैं। जयकांत जी, ये जो 2000 का नोट आज से एक्सचेंज हो रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार द्वारा अच्छा कदम है काले धन पे प्रहार करने के लिए। विगत 2 वर्षों से 2000 का नोट बाजार में देखी नहीं जा रही थी, सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। इससे काले धन पे लगाम लगेगा, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसेगा, आतंकवाद के गतिविधियों में जो पैसा, बड़ा पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा था, उस पे लगाम लगेगी। सरकार का अच्छा कदम है ये, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने समय रहते हुए कदम उठाया। ताकि आप जान रहे हैं कि 2000 का नोट आपने कितना दिन पहले देखा था? विगत 6 महीना पहले 2000 की नोट बाजार में काफ़ी प्रचलन थी, धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार पे लोग बड़े नोट को जमा करने लगे और बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियों में काम आने लगे वो नोट, और बाजार में इस तरह से धीरे धीरे कम हो गई।